अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं जी? ले जी, आज जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं मंडे से डाइट पर जा रहा हूँ, तो आज है मंडे, तो आज से डाइट प्लान स्टार्ट। तो मैंने कहा है, पहले आपको अपना वज़न दिखाऊंगा कि मेरा वज़न आज है कितना। वो पूरे 10 दिन बाद, मेरी अगली नेक्स्ट वीडियो 10 दिन बाद आपके पास आएगी, क्योंकि 10 दिन तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो आइए आपको पहले अपना वज़न दिखाता हूँ कि मेरा वज़न अभी है कितना और आफ्टर 10 डेज मेरा वज़न कितना होगा। हाँ, फिर जब इंशाल्लाह ताला जब मेरा वज़न कम होगा, ऑफकोर्स आप लोगों को पता चलेगा, फिर मैं आपको पूरा डाइट प्लान बताऊंगा कि मैंने क्या डाइट प्लान किया, क्या मैंने एक्सरसाइज की। तो ये देखिए मेरा वज़न कितना, तो जो ये है जी मेरा वज़न 106, 106। तो बहुत ज़्यादा है मेरी हाइट के हिसाब से। मुझे जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया, मेरा वज़न होना चाहिए मैक्सिमम मैक्सिमम 85 kg, तो मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि मैंने फील किया है कि मेरा सांस का प्रॉब्लम, मुझे यानी कि मैं जब चलता हूँ मुझे थोड़ी जल्दी सांस चढ़ जाता है। तो इस वजह से जब मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने कहा, यार इससे पहले कि आपको कोई बीमारियाँ हो, परेशानी स्टार्ट हो, तो बेहतर है कि एक्सरसाइज, वज़न कम करें। तो फिर डाइट प्लान, एक्सरसाइज, दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। आफ्टर 10 डेज इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? सब खैरियत से हैं? आज आपको लीड्स वाइट रोज़ की सैर करवाते हैं। बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है लीड्स के अंदर। तो बस अभी वो सामने गाड़ी पार्क की है। तो ये जनाब, मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ था, मैंने सोचा यार आज आपको वाइट रोज़ की सैर करवाते हैं। शॉपिंग सेंटर है जस्ट लाइक, जैसे कि आपने देखा था वो ट्रेडफर्ड सेंटर में गए थे मैनचेस्टर में, तो इसी तरह ये भी ट्रेडफर्ड सेंटर के लेवल का है। इतना बड़ा नहीं मैं कह सकता, मगर हर चीज़ मिल जाती है यार। अभी ये नेक्स्ट सेंटर होंगे यहाँ से हम, तो आए आपको सैर करवाते हैं। नाइस प्लेस है। कुछ बेसिकली शॉपिंग क्या करें, अब ये जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे बस जब छुट्टी होती है कहते हैं बस हमें लेके चलें पापा सैर सूर करवाएं। तो बच्चों का मूड था आज लीड्स में घूमने फिरने का, तो मैंने कहा चलो यार साथ आपको वाइट रोज़ की भी सैर करवाते हैं। वाइट रोज़ तकरीबन 2 साल बाद आए हूँ आज। काफ़ी जब हसन इधर लीड्स में रहता होता था तब हम चक्कर लगाते थे, मगर अभी आफ्टर 2 ईयर के बाद आज पहुँचे हैं। तो आए चलते हैं आपको सैर करवाते हैं साथ साथ। यह जी नेक्स्ट, जैसे कि आपको मैंने कहा था कि ट्रेडफर्ड सेंटर का नेक्स्ट तो आपने देखा ही था, आज यहाँ का नेक्स्ट भी आपको दिखाते हैं। मेरे साथ है मोइज। अस्सलाम वालेकुम मोइज, किधर आया है? किधर आया मोइज? वाइट रोज़ किधर? इधर देख के बताओ ना, इधर देख के बताओ किधर आए। वाइट रोज़ स्पीटो स्पीडी बोलता है। यहाँ पे भी आपको मोस्टली सारे ब्रांड मिलेंगे। बेसिकली यहाँ से शूज़ लेने थे मिसिज ने भी और मैंने भी, तो ये देखें क्लार्क्स। तो सोचा यार चलते हैं, JDB है, सारे हैं साथ साथ ही हैं, एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आए चलते हैं क्लार्क्स में चेक करते हैं, तो मतलब के शूज़ मिल जाएँ। तो चलो 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 मोहित चलो, ये देखें ना जी, ये जो शूज़ है ना इस टाइप के लेने हैं मैंने, जैसे कि ये हैं, सामने मैं हूँ। अच्छा जी, क्या करते हैं कोई अच्छे से शूज़ समझ में आ जाए ना, तो फिर ये, क्योंकि ये बेसिकली सूट के नीचे भी चल जाते हैं, शलवार कमीज़ के नीचे भी चल जाते हैं। ओए होए 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 होए, प्राइस चेक करें इनकी, 110 पाउंड। यार ये जो क्लार्क्स है ना, ये जान लेंगे, नहीं निकालेंगे जान, इतने महंगे। पर वो बात वही आ जाती है ना, तो ब्रांड ब्रांड है ना फिर वो, तो इसकी वो क्वालिटी की इन्होंने खबीसों ने, टूटना नहीं होता, इनको फेंकना पड़ता है, टूटते नहीं है ये। तो लें जी क्लार्क्स में तो देख लिए, कोई इतने ख़ास मुझे मेरे मतलब के नज़र नहीं आए। तो बस अभी ये सामने JD में चलते हैं, तो JD में चेक करते हैं कि JD में कोई मतलब की चीज़ मिल जाए। यार बड़ा ज़बरदस्त आप ये देखें, व्यू बड़ा अच्छा है इसका। अच्छा फूड कोर्ट इनका ऊपर है सारा, जैसे कि वो आपने चाइना टाउन देखा था ट्रेडफर्ड में, इनका फूड कोर्ट सारा ऊपर फूड कोर्ट है। तो बच्चों का मूड भी है खाने पीने का, तो मोहित साहब का भी खाने पीने का मूड है, तो फिर आफ्टर शॉपिंग भी चलते हैं खाने पीने वाली जगह पे। फिलहाल जी JD में आपको लेकर चलते हैं मोइस हमें। अच्छा जी आप बताएं जी मोइस कैसा लग रहा है, पहले आप ये तो बताएं। मोइस अच्छा लग रहा है ना, ये वही इसने जो रेड कलर की जैकेट ली थी वहाँ से। मोइस सब बड़ी कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, एवरीबॉडी ये कह रहे हैं जी मोइस बड़ा अच्छा। क्या कह रहे हो आप? थैंक यू मोइस, थैंक यू कह रहा है जी मोइस, आपको थैंक यू कह रहा है। ये देखें यहाँ पर बहुत चॉइस है शूज़ की, तो कोई भी यहाँ से ले, मोस्टली यहाँ पर ये ट्रेनर्स वगैरह करते हैं। देखो यार पूरा सूट है भाई, पूरा बंदा ही अंदर आ जाए, इतनी भी कड़ी सर्दी पैगी भैया, चेक करो जी। नायका ले भी ना कसम से बंदे को फुल पैक कर दें, इतनी सर्दी तो है नहीं जितनी इन्होंने
जैकेटें बना दी हैं यार, ये नॉर्थ फेस चेक करें ना, क्या ज़बरदस्त स्टाइलिश निकली हुई है वैसे ये लेडीज़ हैं, मगर है स्टाइलिश है भाई जो भी है। ये जेंट्स सेक्शन आ गया जी, यहाँ पे भी दिखाते हैं, जेडी में भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कलेक्शन आई होती है, चेक करें। जेडी के ट्राउजर्स बेसिकली यहाँ पे आपको सारे ब्रांड मिल जाते हैं, नाइक, पोमा, एडिडास, सब कुछ मिल जाएगा, नॉर्थ फेस, यानी एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल रहा है जी। अभी जी ऊपर जा रहे हैं जी स्पोर्ट्स ड्रैक की तरफ, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है शूज़ वगैरह की। सारा फूड कोर्ट देखें जी, सामने प्राइमार्क आ गया, मार्क एंड स्पेंसर, स्पोर्ट्स डायरेक्ट तो लग रहा है जैसे, कहाँ नजर आएगा, नजर ही नहीं आ रहा जी। ओके ठीक है, देखें द विलेज के नाम से भी यहाँ बना हुआ कुछ, देखना चाहिए वैसे, देखूंगा आके भी कि क्या चीज़ है। कार पार्क है जी द विलेज के नाम से, वाह। ये सामने सपोर्ट्स ट्रैक आ गया है, नैंडोज सामने राइट पे है, ये देखें जी चाचा चाय की ब्रांच भी है यहाँ पे, जो जो ब्रेडफोर्ड में आपने देखी है सेम वही ब्रांच, उन्हीं की ब्रांच, क्योंकि आजकल लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं चाय को, कॉफ़ी वगैरह लोगों ने कम कर दी है, मोस्टली लोग चाय पसंद करते हैं। क्या खूबसूरत लोकेशन लगती है, दो शूज़ आ गए हैं जी अभी, बस एक रह गए, दो और रह गए हैं, सॉरी टोटल चार लेने थे अभी हमने, तो अभी लेते हैं। मॉइस आपके शूज़ किधर हैं, डाउन वेयर, अभी हम लोग जा रहे हैं जी मॉइस के लिए शूज़ लेने के लिए, जेडी में, तो ये ऑटो की शॉप आप देख रहे हैं सामने, यानी बच्चों का तो काम हो गया, सब चीज़ें मिल गई हैं, मेरे लिए नहीं शूज़ मिले अभी तक बाय द वे, तो देखते हैं। इसके लिए हमने शूज़ फाइनल कर लिए, शाइस्ता 18 यस, तो ये अभी मॉइस के लिए हमने ये वाले शूज़ लिए हैं जी, बड़े ज़बरदस्त किस्म के, और एक बेटी मेरी के लिए जोया के लिए ये ले लिए हैं जी, जोया को जो पसंद आया है। मॉइस आज यू हैप्पी नाउ, हैप्पी हो गया मॉइस, बहुत शरारती है, बहुत शरारती है, जहाँ जाता है शूज़ 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 देखने बस इसने अपने लिए, तो जी अभी बस वो लेके आती है शूज़, तो फिर पे करते हैं और निकलते हैं। और क्या इधर मैं देख के बताओ क्या चाहिए, और देखा ना मोइस के स्टाइल, अभी आइसक्रीम भी मांग रहा है, तो इसकी शरारतें हैं, आपको पता है ये जब साथ साथ होता है खर्चे मेरे फुल टाइम को आता है, कोई बात नहीं इसी के लिए तो लेते हैं हम सब, इसी के लिए तो करवाते हैं, तो अभी बस यहाँ से फ्री होके निकलते हैं आइसक्रीम के लिए, बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं, फुल फुल टाइम डाइटिंग पर चल रहा हूँ, तो बस साथ साथ रहें, देखते हैं आगे क्या क्या खर्चे होते हैं मेरे। पसंद आ गए जी बबल टी, चेक करें जी, तो बच्चों को देखें जी ये चीज़ें, ये उनकी फ्लेवर्स नज़र आ रहे हैं कि क्या क्या फ्लेवर है, तो बच्चे कहते जी कि हमने बबल टी पीनी है जी, पी लें बबल टी, तो अभी हम लोग यहाँ से ऑर्डर करेंगे बबल टी के लिए, सारी बबल टीज़ हैं, इस सारे फ्लेवर्स देखें, ये इस तरह बनेगी, ये देखिए चेक करिए, ये अभी ऑर्डर ले रही है बच्चों से, अच्छा मैंगो फ्लेवर भी है बेटा, चलिए। सो जी ये देखें ये बन गया है जी बिल, 8.6 पेंस, यप ओके। भाई साहब आ गए हैं जी इधर इस सेक्शन के अंदर, ये यहाँ पे है जी हेलोवीन्स की
चीजें पड़ी हुई है, चेक करें। ओहो हो, मोहित ये क्या, इसको क्या कहते हैं पहले ये बताओ, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अच्छा स्केलेटन कहते हैं जी इसको, इतना डेंजरस है ये, मोहित को सारी चीजें पसंद है। यहाँ पे पता है हेलोवीन डेज आता है अभी आने वाला आगे, तो ये उनकी चीजें आ गई हैं जनाब, ये देखें पब्लिक में, ये देखें चेक करें। ओहो ये चेक करें, ये आंखें हैं ये तो, ये देखो कसम से क्या क्या चीजें बनाते हैं ना गोरे भी शहजादे हैं, ये चेक करें मोइस, चेक करें मोइस साहब को ये पसंद आ रहा है जी। अच्छा किधर जा रहे हो आप? अच्छा जी इधर से देखते हैं, आई थिंक चलते हैं मोइस, कम कम विद मी, कम विद मी जी। बच्चों की बबल टी आ गई है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर है ये, इन्होंने मिक्स लिया है बच्चों ने स्ट्रॉबेरी एंड मैंगो। ओह हो इतना कोल्ड है, दिल कर रहा है मैं सिप ले लूँ, मगर नहीं सिप नहीं लेनी, क्या कहते हैं ना डाइटिंग चल रही है ना आजकल, तो ये है जी बच्चों के लिए, बस बच्चे पियेंगे मोइस पिएगा। तो बाय द वे अभी मैं कुछ ना कुछ सुनूंगा ना यार, तो यहाँ से जा रहे हैं ऊपर चाचा चाय के पास, वहाँ से मैं अपनी फेवरेट चाय पीऊँगा और बच्चे वहाँ से देखते हैं डोनट्स वगैरह खाएंगे, तो चलते हैं फिर चाचा चाय की तरफ। मोइस के लिए आ गई है जी क्या, आइसक्रीम फेवरेट मोइस की, देखें जी मोइस साहब फुल टाइम खुश हो गए हैं। मोइस को मैंने कहा मोइस आप बबल को क्या कहते हैं बबल टी पी लो, मोइस कहता नो पापा, मोइस ने सिर्फ मोइस को चाहिए थी कौन, तो मोइस ने ले लिया कौन। तो चलें चलते हैं जी अब गाड़ी पार्क की तरफ, चलें भाई पार्किंग की तरफ चलें मोइस, चलें मोइस कह रहा जिसने ग्लासेस चेक करवानी है, रिस्पेक्ट से वो इधर है कि नहीं है, तुम तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बस अब निकलते हैं घर की तरफ, देखें आप मैंने सोचा कि बाहर से भी मौसम दिखाते हैं कि क्या बेहतरीन किस्म का मौसम हुआ है, और यकीन करें बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही, जैकेट मैंने पहन तो ली थी मगर इतनी सर्दी लगी नहीं मुझे, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। तो वैसे टेम्परेचर अगर देखें तो आज का टेम्परेचर भी 12 है, तो 12 के हिसाब से भी जितनी सर्दी होनी चाहिए उतनी सर्दी है नहीं है। तो लें गाइस दें इजाज़त, शॉपिंग भी हो गई, आपको मैंने वाइट रोज़ की भी सैर करवा दी आज, तो जो मेन चीज़ थी आज की हमारी डाइट प्लान स्टार्ट आज से, तो पूरे 10 दिन बाद मुलाकात हो गया बाप से, तो मैंने सोचा कि आज छोटा सा व्लॉग था उसको थोड़ा सा लंबा करते हैं, उसमें थोड़ी सी सैर डालते हैं, वाइट रोज़ की सैर करवाते हैं आपको। तो दें इजाज़त इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मिलते हैं आफ्टर 10 डेज़, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।